डॉक्टर सीमा पुरी, ये जो बात डॉक्टर अंजू सेठ ने कही कि न्यूट्रिशन की बहुत इम्पोर्टेंस है पहले 2 या 3 सालों की अगर बात करें, लेकिन आप क्या देखती हैं, इतने सारे पेरेंट्स से आप मिलती होंगी, बच्चे की फीड्स को लेकर, उनके न्यूट्रिशन को लेकर जो जागरूकता का स्तर है, कितनी जानकारी है, या उनको क्या लगता है उनके अगर नज़रिए से देखा जाए कि वाकई क्या इतना न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए? देखिए, एक कंसर्न तो है। माँ, आप जानती हैं कि माएँ बहुत परेशान रहती हैं कि बच्चे ने दूध नहीं पिया, बच्चे ने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, लेकिन क्या खिलाना चाहिए और क्या बच्चे को उचित विकास के लिए आवश्यक है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है। क्योंकि माँ को स्पेशली ये लगता है कि ज्यादा खिला दो, क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। हाँ, तो और क्या फर्क है, क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा खिलाया लेकिन वो नहीं खिलाया जो खिलाना चाहिए था? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक तो ये सोचते हैं कि जैसे ही बच्चे अब की उम्र बढ़ती है, तो जैसे अगर वो चावल खा रहा है या चपाती खा रहा है, तो उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी मात्रा, उसके अलावा उसको प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि सब्जियां, फल, दालें, दूध वगैरह से आती हैं, वो चीज़ें भी आहार में मिश्रित होनी चाहिए। तो एक मिश्रित आहार खिलाना बहुत ज़रूरी है इस जी, समय। और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, हिमाचल प्रदेश से सुरेंद्र कुमार हैं टेलीफोन लाइन पर। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। बच्चा मेरा अभी कुछ 2 साल का हो गया तकरीबन, जी और बाकी तो सारी एक्टिविटीज नॉर्मल करता है, जैसे दूध वो अपनी माता जी का जो पीता है, ठीक है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे हमें लगता है जैसे उनके दादाजी को और हमें भी लगता है उसकी मदर को कि थोड़ा सा दुबला सा है वो, पतला सा है, बाकी मेंटली उसको कोई बात कहे तो वो प्रॉपरली पिकअप करता है। वेट भी उतना हमने करवाया था, वेट भी नॉर्मल सही बताया गया, फिर हमने HB वगैरह करवाया डॉक्टर डॉक्टर साहब के पास जाके, तो वो भी नॉर्मल बताया गया, पर हमें लगता है कि जैसे थोड़ा बाकी अच्छे से दौड़ लेता है वो, सारी चीजें सारी एक्टिविटीज नॉर्मली करता है, पर हमें लगता है कि जैसे थोड़ा सा पतला है तो उसमें कोई कोई न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। जी, डॉक्टर अंजू सेठ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, बच्चे का पतला होना अपने आप में किसी बीमारी का लक्षण नहीं है। किसी भी बच्चे को देख करके खासकर पेरेंट्स नहीं कह पाएंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। तो पहली बात, आप डॉक्टर के पास जाएं, जैसे आप गए हैं, डॉक्टर उसका वेट और हाइट दोनों चेक करके आपको नॉर्मल डेटा से, यानी और बच्चे कैसे ग्रो करते हैं उससे मिला करके बताएंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ उम्र के हिसाब से बाकी बच्चों के हिसाब से सही है या नहीं है। पहली बात, अगर वो सही है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि बच्चे की नॉर्मल डाइट रहे, वो बीमारी से फ्री रहे और सही विकास उसका समय से होता भी रहे। उसके लिए ज़रूरी है, जिसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग की, यानी समय समय पे अगर आप बच्चे की हाइट और वेट का रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको तसल्ली रहेगी कि मेरा बच्चा सही से बढ़ रहा है। और अगेन, पतला है तो क्या हुआ, मुझे लगता है पतला होना ज़्यादा हेल्दी है मोटे होने से। जी डॉक्टर मारवा, अभी जो बातचीत में जो बात सामने आई, जो डॉक्टर अंजू सेठ ने भी बात कही कि शुरुआती उम्र में ही 2-3 वर्ष तक शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। अक्सर माँ बाप को, जैसा अभी फोन आया था, शारीरिक विकास तो दिखता है लेकिन मानसिक विकास के जो पैरामीटर्स होते हैं वहाँ अगर कहीं कुछ ऐसी बात हो रही हो, कोई कैसे जाने? देखिए, मानसिक विकास के लिए स्पेशली मानसिक विकास बहुत इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रिशन जैसे मैडम ने बताया जी पहले कि न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट 2 ईयर्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इवन फॉर मेंटल डेवलपमेंट। एंड कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं यदि उसकी देखभाल नहीं करें, जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है, यदि कोई गांव में बच्चे जो आयोडीन डेफिशिएंट हैं या मदर सीवियरली आयोडीन डेफिशिएंट हैं, उनके बच्चे जो बहुत आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण क्रेटिनिज्म जिसको हम बोलते हैं या मिक्स डिमेटस क्रेटिन्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि खाली फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, खाली मेंटल डेवलपमेंट भी साथ में टोटली इफेक्ट हो जाती है और बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दोज इनिशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इम्पैक्ट द ब्रेन डेवलपमेंट। और इसको पहले 2 साल के अंदर जैसे हम हाइट वेट के चार्ट्स नोट करते हैं, वैसे जी ही हम हेड की सरकमफ्रेंस भी नोट करते हैं कि उस हेड की सरकमफ्रेंस में कितना ग्रोथ हो रहा है, और वो भी जैसे 0 से 3 मंथ तक 2 सेंटीमीटर 1 महीने में ग्रो करता है, ऐसे ही 6 to 3 मंथ्स में ज़्यादा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यदि आपकी हेड सर्कमफ्रेंस की ग्रोथ भी नॉर्मल है तो वो भी आपको इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपकी ब्रेन डेवलपमेंट ठीक है। बट द बेस्ट वे टू नो दैट योर
इंटेलेक्चुअल पार्ट इज ऑल राइट इज बाय डूइंग एन आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट करते हैं जिससे बच्चे की मेंटल स्टेटस का मालूम पड़ता है। जी डॉक्टर मारवा, कुछ कारणों की बात कर लें। कुछ कारणों का जिक्र अभी आपने किया था जिसमें आपने प्रेगनेंसी में कहा कि अगर प्रेगनेंसी में कुछ फैक्टर्स गड़बड़ाते हैं तो उसका असर भी बच्चे के विकास पर हो सकता है। वो कौन से कारण होंगे जिनकी वजह से बच्चे के विकास पर असर हो सकता है अगर प्रेग्नेंट फीमेल की सही देखभाल न की जाए? हाँ, जैसे कि डॉक्टर सीमा पुरी ने पहले बताया कि और मैंने भी बोला कि जो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस अभी मैंने बोला कि यदि मदर में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो जो बच्चा पैदा होगा वो लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटली रिटार्डेड हो जाता है या वो उसकी आईक्यू लेवल्स बड़े लो होते हैं। और सेकेंडली ही इज़ बॉर्न डेफ एंड डम, ओबीस, शॉर्ट स्टेचर्ड, मेंटली रिटार्डेड, सो ये परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं एक आयोडीन की कमी के कारण। इसी तरह से यदि वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी जो देखी गई है बहुत कॉमन है उसके कारण भी ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ता है। बट बिसाइड्स दीज देर आर ऑल द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड है, वाइटामिन ए है, ये सब चीज़ें यदि ठीक मात्रा में माँ को मिलती रहें, टोटल कैलोरीज, बैलेंस डाइट मिलती रहे तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल होती है। जी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के अलावा डॉक्टर अंजू सेठ क्या कुछ और भी आदतें हो सकती हैं? बहुत सारी फीमेल स्मोक करती हैं, इस तरह की कुछ और आदतें आप बताना चाहेंगी जिसका प्रभाव सीधा जो है गर्भस्थ शिशु पर हो? देखिए कुछ तो डेफिशिएंसी स्टेट्स हो गई, कुछ आदतों में अगर देखा जाए तो स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन इनका सीधा असर होता है। मैटरनल इलनेसेस, कई बीमारियाँ माँ को प्रेगनेंसी में हो सकती हैं, जैसे एक कॉमन बीमारी है ब्लड प्रेशर का बढ़ना माँ का, उसके सिवाय कोई और बीमारियां जैसे कि उसको अनीमिया है, माँ को बहुत सीवियर अनीमिया है, माँ खुद ही मैलनरिश्ड है तो उसका असर डायरेक्टली बच्चे के ऊपर होता है। जी डॉक्टर सीमापुरी, अभी जो बात आ रही है पोषण को लेकर जो एक महत्वपूर्ण तत्व तो है विकास का, बच्चों का ही क्या सभी के लिए, उसमें एक बात घूम फिर कर जो डॉक्टर मारवा ने जो सामने रखी वो था आर्थिक पक्ष। तो जहाँ पैसे कम हैं, जहाँ माँ बाप के पास साधन कम हैं चीज़ों को ख़रीदने के, आपका अनुभव क्या कहता है कि वहाँ पर ये चीज़ देखी गई है या वहाँ और चीज़ों से उसको कॉम्पनसेट कर लिया जाता है? ये देखिए, एक तो खाद्य पदार्थों को चुनने में या अपने आहार में मिश्रित करने में आर्थिक पक्ष बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखा यह गया है कि अधिकतर जो गलत चॉइसेस हैं वो हो रही हैं बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। वो संपन्न घरों में भी होती हैं, जहां पैसे बहुत हैं वहां भी ऐसा होता है। हाँ जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि लो बर्थ वेट बेबीज जो 2.5 किलो से कम पैदा होते हैं वो अपर इनकम ग्रुप में भी उतने ही परसेंटेज है। अच्छा, 20% के ऊपर है प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट एज कम्पेयर टू लोअर इनकम ग्रुप। सो इट इज नॉट ओनली द मनी बट कई और जो आपने कहा कि जानकारी की कमी है। हाँ जी, जानकारी की कमी, ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं। डॉक्टर मारवा, एक बात अब हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर अंजू सेठ ने बताया कि माँ को अगर वो कुपोषण का शिकार है या कुछ और बीमारियां हैं तो उसे, इसके अलावा जब बच्चे का जन्म होता है तो एंडोक्राइन रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे बच्चे के विकास पर सीधा सीधा असर पड़ेगा? देखिए 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन, विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। दूसरा जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, जो कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाइपोथायरायडिज्म, कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म या लेट हाइपोथायरायडिज्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड, दिस इम्पैक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, मतलब मानसिक विकास और फिजिकल ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है जो हाइपोथायरॉयड है, इसकी मात्रा इसकी जो प्रिवलेंस है 1:4000 के करीब होती है, मतलब 4000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से एक ऐसा होता है जिसको शायद कंजेंटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी बहुत कारण होती है और सबसे कॉमन कारण जिसके बारे में हमें मालूम नहीं, इडियोपैथिक जिसको हम बोलते हैं, बट वेदर इट इज़ पिट्यूटरी ट्यूमर्स, वेदर इट इज़ इन्फेक्शन, बहुत कारण है जिससे कि जो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से सिक्रीट कम होता है। और ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिजिकल ग्रोथ अलॉन्ग विद द थायराइड हार्मोन, सो दीज टू हार्मोन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, मेंटल एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ। तीसरा कारण ये है कि कई लोगों में प्यूबर्टी डिले हो जाती है जैसे मेच्योरिटी, तो उनके अंदर जो ऊपर से एक हार्मोन होते हैं LHFSH जो कि हम बोलते हैं गोनाडल हार्मोन्स होते हैं,
और कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म, जो कि कालमन सिंड्रोम जैसे बोलते हैं। उनमें क्या होता है कि वो हार्मोन वो भी पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, तो यदि LH FSH नहीं सिक्रीट होंगे तो जो बच्चा है वो प्यूबर्टी में मेचोरिटी नहीं आएगी उसके अंदर। अच्छा। या कम आएगी या डिले हो जाएगा। और बाकी काफ़ी कारण है, कुशिंग सिंड्रोम्स और ये सब, तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। पर जो कॉमन कॉजेज़ हैं जो हॉस्पिटल में देखे जाते हैं, सिस्टमिक इलनेसेस, डायरिया, डिसेंट्री, वर्म इन्फेस्टेशन, ट्यूबरकुलोसिस, दीज आर वेरी वेरी कॉमन डिसऑर्डर्स विच डॉक्टर अंजू सेठ विल एलैबोरेट लेटर, बट दीज इम्पैक्ट द ग्रोथ डायरेक्टली। जेनेटिक कॉज इज वन विच गिव्स यू द मोस्ट रेफरेंसेज। यदि बच्चे जो डॉक्टर के पास आते हैं, ज़्यादातर उनमें जेनेटिकली वो शॉर्ट होते हैं, इसका मतलब है उनके पेरेंट्स की जीन्स जो हैं उनमें कमी है जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वार्म एंड इमोशनली वार्म एटमोसफेयर एट होम फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।